माइनस होता है ना, प्लस 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 होता है। मैंने लिखवा रखे हैं, वहां से याद करो। जो टाइम पे काम करें, अपना पता है ड्यूटी, हमें क्या करना है, सुबह उठ के हमें कितने बजे उठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, खुद पता होता है, उसे कर्तव्यनिष्ठ कहेंगे, टाइम का पाबंदी सब। जैसे आपने मुझे यहाँ पे वाला करवाया, बोलो। तो फिर आपने ये वाला चेंज क्यों करवा दिया, मतलब यहाँ पे क्यों लिखवा दिया ये वाला यहाँ पे? ये मैंने इसलिए लिखवाया कि बड़ी पावर वाला ऐसे लिखते हैं इसको, सबसे बड़ी पावर का पहले, ये बड़ी पहले एक्स वाला लिखा, फिर वाई वाला लिखा, फिर ये लिख दिया, दो पावर बड़ी वाला है, फिर ये भी बड़ी वाला है तो उसको स्क्वायर भी लगेगा, फिर ये लिख दिया। ये भी ठीक है, अगर इतना छोड़ती हो तो भी तुम्हारा आंसर ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप पहले लिख लो किसी को बाद में, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऑर्डर में लिखना चाहिए। छत्रपति छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी कौन कौन सा सुनूं? टू और थ्री? टू और थ्री वाला सुनना है? फर्स्ट फर्स्ट तो सुना दिया था तुमने मुझे, ये वाला सुनूं? क्या पढ़ लो कितने आपने सुनू में नंबर बताओ, कौन कौन सा सुनू? What is the public transport system of Mumbai called? What is the public transport system of Mumbai called? What is the public transport system of Mumbai called? अब इसके फुल फॉर्म बना, बी माने, बी से क्या बनेगा? कैपिटल में लिखना है बी एस टी, ये शॉर्ट फॉर्म है, बी माने याद करो, मेरा बुक दे दो, बुक से क्वेश्चन पढ़ो, अभी सुनोगे थोड़ी देर में इसका सुनके। राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर झाड़ी के पीछे क्यों छुप गया? राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर ये देखना चाहता ताकि क्या लड़खड़ाते कदमों से आने वाले राहगीर के पैर में चोट लगी थी? यदि नहीं तो फिर वह ऐसे क्यों चल रहा था? नहीं, आने वाले राहगीर के पैर में चोट नहीं लगी थी, वह शराबी था, ठीक है, और नशे में था, इसलिए वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य किस राहगीर ने निभाया? राजा ने उसे पुरस्कार में क्या दिया? जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य किसान ने निभाया, ठीक है, पुरस्कार में सोने के सिक्कों से भरी थैली दी।
पहले वह दूसरे रागीरों के अंदर कौन से गुण नहीं थे? पहले वह दूसरे रागीरों के अंदर समाज सेवा, कर्तव्य पालन और जिम्मेदार जैसे गुण नहीं थे। ठीक है, तुम सुनाओ डुगू, पहले याद करो। What is the public transport system of Mumbai called? That's Bombay Electric Supply and Transport Company. ठीक है, बताओ भाई तुम ऊपर मुकरो। What is the public transport system of Mumbai called? बेस्ट बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, चलो सुनो, व्हाट आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई? सीएसटी बोलो पहले शॉर्ट में। छत्रपति टर्मिनस। छत्रपति की स्पेलिंग बताओ। शिवाजी की टर्मिनस की गुड। अब बताओ लोकमान्य की तिलक टर्मिनस। चलो भाई तुम आगे कैसे पता चलेगा हमें एग्जाम में कौन से चीजें आएंगी कौन सी नहीं आएंगी? व्हाट आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई? वेरी गुड, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। वो तुम्हारा S1 का दिया था तुम्हारी मम्मी ने पहले, वो भी एग्जाम से एक दो दिन पहले मिला था, है ना, दो तीन दिन पहले। अब अभी से पूछो फटाफट, ठीक है? एंड लोकमान्य तिलक टर्मिनस। अब अगला लोकमान्य लिखना है, पढ़ना लोकमान्य, ठीक है? इनको अभी ऊपर नीचे रहे, इनको अभी रहने दो। टेक्सटाइल ऑयल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्पेलिंग बताओ। E-L-O-C-T-I याद करो, स्पेलिंग याद नहीं है। ये ना पॉइंट गलत लगा रखे हैं इसमें, देखो कैसे गलत लिख रखे हैं। चलो टू लाइक डेसिमल्स पर, पहले लाइक बनाने हैं। अच्छा याद कर लो, मैं नहीं सुन रही अभी, याद करो। ये वाला मैं उतार के बता दूँ, ये ऐसे लिखा है ना, तुम क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए।
यहाँ सेवन लिख रखा है इसने, ठीक है, पॉइंट के तुरंत बाद क्या सेवन है, तो इधर जीरो लगा दो, यहाँ वन, ऐसे माइनस कर लो तुमने। अभी जैसे देखो बी वाला समझो, इधर यहाँ लिखा है इसने 4.8, ठीक है, पॉइंट के नीचे ही तो पॉइंट आना चाहिए। देखो दूसरा पॉइंट के इधर क्या है, टू, और पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ सिक्स, यहाँ भी सिक्स आएगा, ऐसे जुड़े, माइनस करना है, सॉरी, और ऊपर कुछ नहीं है ना, यहाँ तो यहाँ जीरो। लाइक टर्मिनल, लाइक फ्रैक्शन बना लो, लाइक डेसिमल, इसका मतलब है पॉइंट के बाद बराबर नंबर होने चाहिए। यहाँ एक नंबर नहीं था जीरो, यहाँ नहीं था, यहाँ हमने जीरो लगा ली, फिर उस हिसाब से लो। भी तुम सुना रहे थे पहला राहगीर पत्थर को देखकर सबसे पहले क्या कहता है? पहले राहगीर ने पत्थर को देखकर कहा कि सड़क के बीचों बीच, अगर मैं इससे टकरा जाता तो अपने हाथ पैर धुलवा लेता। पहले वह दूसरे राहगीरों के अंदर कौन से गुण नहीं थे? पहले दूसरे व तीसरे रागीरों को देखकर राजा को कैसा लगा होगा? पहले दूसरे तीसरे रागीरों को देखकर राजा को बहुत ज्यादा बोध हुआ होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि उसकी प्रजा बिल्कुल भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। ठीक है, कुछ राजे का हर इंसान अगर किसान की तरह सोचने लगे तो क्या होगा? आखिर यदि राज्य का हर इंसान किसान की तरह सोचने लगे तो यदि राज्य का हर व्यक्ति किसान की तरह सोचने लगे तो किसी को भी किसी से परेशानी नहीं होगी और खुशी का वातावरण होगा। देश में खुशी का वातावरण। सोने के सिक्कों से भरी थैली राजा ने किसे दी और क्यों? सोने के सिक्कों से भरी थैली राजा ने किसान को दी, क्योंकि किसान उसने सच्चे नागरिक होने की जिम्मेदारी समझते हुए पत्थर को हटा दिया। इनका रिटर्न टेस्ट लूंगी मैं, इसके शब्द अर्थ भी याद कर लो, इस प्रश्न के तरह याद करो लिखा है। टेक्सटाइल, नेम थ्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन मुंबई। टेक्सटाइल, TEXL, ठीक है, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक, गुड्स बोलना है, एंड मेडिकल, मेडिसिन की स्पेलिंग MEDICINES, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की NIC, टेक्सटाइल्स की आराम से बैठ जाएंगे। उतारो जैसे मैंने बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरेगा उस हिसाब से करना। आवर माने हमारा, और वो आवर अलग होता है जो घंटे वाला होता है, ये आवर अलग है। आर ए आर ई आर तैयारी लिखा है, आर होता है तो पूरा पढ़ के बताओ तो पता चल जाएगा। पूरा पढ़ के बताओ ना सेंटेंस क्या लिखा है उससे पता चलेगा। द पोस्ट ऑफ मुंबई आर फेमस फॉर आर है वो ए आर ई एंसिएंट माने पुराना प्राचीन। आपको मुझे कौन सा वो क्वेश्चन देना है वो मुझे दे सकते हो, मुझे हो गया। इलेक्ट्रॉनिक की बताओ। NIC, गुड्स की GWS, टेक्सटाइल की
टी आई है, तब से नहीं हुई गई थी, इतनी देर हो गई तब से उधर ही तो घूम रही थी और क्या कर रही थी। माने पुराना। देखो मौजी जिन्हें पानी पिया ढक्कन खोल के रख रखा है। मैंने क्या रखा, अपनी अपनी बोतल ले आया चलो करो अब मैं 55 वाला कर लूं। क्या कर रहा है करो Ancient rock out.
एप्पल द एलिफेंट द एलिफेंट कब्स द एलिफेंट द एलिफेंट कब्स नहीं यार द एलिफेंट कब्स लो पहले एक एक्सरसाइज करके दिखाओ साफ साफ करना और की लाइट चालू आ लोकेटेड इन एलिफेंट एलिफेंट आ लोकेटेड इन आ रहा है तुम्हें कुछ एलिफेंट आइलैंड इन द आइलैंड ऑफ आइलैंड ऑफ आइलैंड ऑफ आइलैंड ऑफ आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई 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 बताओ सायंकाल राहगीर अड़ाकर गुनगुनाकर कृतज्ञता आभार आभार प्रकट होने का भाव करने का भाव प्रशक इनाम पुरस्कार हकदार जिसे हक यानी अधिकार मिला हो प्रकाश व्रत प्रकाश रोशनी का घेरा विश्राम विश्राम आराम ठिटक्कर सहसा आश्चर्य आश्चर्य प्रकाश व्रत रोशनी का घेरा परिक्रमा परिक्रमा यहाँ ऊपर कुछ था ही नहीं ये माइनस भी नहीं पता ऊपर कुछ ये तो जीरो लिखेंगे जीरो में से नाइन जाएगा फिर कैरी लेंगे नाइन का नाइन का कुछ नहीं चलेगा कुछ भी बिल्कुल ही ध्यान नहीं है परिक्रमा पता नहीं ऊपर नहीं तो जीरो लगाते और फिर कैरी लेना चाहिए तो हमें पैदल ठीक है सब पकाकर अभिवादन श्रद्धा के प्रणाम मुद्रा स्थिति तनिक द एलिफेंट जराशि गिरिराज हिमालय पर्वत बाकी सुना सही है एक बार जल्दी करो Where are the Elephanta caves located? मध्य को देख रहा है वो पूरी तरह Elephanta caves मुझे पता है the elephant Elephanta elephant caves Elephanta caves Elephanta caves Elephanta caves are located in elephant allocated in elephant island island of very good for the coast the coast of mumbai are famous for ancient for ancient वो लग लगा जाएगी मच्छरों से यहां famous for ancient rock rock out out नहीं है कट है rock cut temple सही कर लो CUT कट है वो पकड़ो
हाँ बोलो क्या बोल रहे थे झुंझलाया झुंझलाया माने गुस्से में करते हैं ना गुस्से में झुंझलाना हो गया घर से करके आना है मैंने 10 बार बोला आगे से पिटाई लगेगी कर लो बाबू नहीं हो पा रहा है अब हैं करता तो है माइनस आएगा यार के माने गुफा सी ए डी ई एस के ठीक है भाई चलो लोकेटेड इन आइलैंड इसमें बोला सबट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना पहले इन दोनों को माइनस करना है पहले दोनों को माइनस करना है फ्रॉम देयर सम पहले इन दोनों को प्लस करो प्लस करके जो आंसर आएगा ना उसमें से एक बार प्लस करो पहले फिर माइनस करो इतना काम करो प्लस करो फिर साइड यहाँ प्लस कर लो फिर ये माइनस करना है इनको फिर बता दो व्हाट आर द एलिफेंटा केव्स वेयर आर द एलिफेंटा केव्स लोकेटेड अब इन्हीं को आप द एलिफेंटा केव्स द एलिफेंटा केव्स बड़ा कौन है इन दोनों में लोकेटेड कैसे पता चला ये है ना अब एक बार प्लस कर दिया ना बड़े में से इसको छोटे को माइनस करो इधर साइड में आइलैंड आइलैंड ऑफ एट द एलिफेंटा केव्स आर नहीं लिखा हमने आर लोकेटेड इन आइलैंड ऑफ द वेरी गुड कोस्ट ऑफ मुंबई आर फेमस फॉर वेरी गुड एंशिएंट रॉक कट टेंपल इसे बैग में रख लो कल टेस्ट होगा कल लेके आना इसको ठीक है रिटर्न टेस्ट होगा इसे बैग में रखो अभी इंग्लिश के कुछ आंसर लर्न कर लो उसका जो कल रह गया तो उसको करो फिर मैथ्स का करवाना है मैथ्स का मोती जी मैम ने करवाया था आज कोई बात नहीं देखो मैं आगे स्टेटमेंट वाले कराऊंगी तुम्हें हाँ भाई बताओ खालिस्तान पहला डैश बीच रास्ते में इतने बड़े पत्थर को देख कर डैश बीच रास्ते में इतने बड़े पत्थर को देखकर झुंझलाया यहाँ राहगीर आना चाहिए यहाँ झुंझलाया सही कर लो यहाँ राहगीर लिखो वहाँ झुंझलाया लिख दो मोदी देखो हिलाया जा रहा है हिलाया जा रहा है माइनस करो
मत हिला भाई, प्रॉब्लम क्या है? जब से तू भी तो हिला रही है। कब हिलाई थी मैं? चलिए ले कुछ कहो। नेट वेट नहीं डालती हो तुम? ठीक है। अरे और ये जो आप कराने जा रही है वो ये वाले स्टेट हाय हाय यहीं पे कर लेती हूं। मैंने एक एक दिन कर के कराए थे। कोई बात नहीं, चलो सही है। देख लेना, पांच चार कर लेंगे, छोटे छोटे हैं, छह हो जाएंगे, सोलह हैं, तीन दिन में खत्म होगा। मैम इतना इतना है मैम, 26 है। अरे देख लूं मैं पहले, वही 16 है। ये भी तो गलत कह रही, नहीं देख देंगे यहाँ से। तू में से अच्छा ऐड किया वो, सही है। चार, तीन में हो गया एक, ये भी ठीक है। अब बोल रहा है एक को एक बार क्या किया, ये बोल रहा था कहाँ गया? सब्ट्रैक्ट घटाओ द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम देयर सम, इन दोनों के जोड़ में से इनके माइनस को घटाओ। जोड़ के कितना आ गया तुम्हारा आंसर? जोड़ के कितना आंसर आया? ये है ना, जोड़ के जो आंसर आया सम कहते हैं इसे। ये क्या आ गया तुम्हारा? सम। ये बोल रहा है सम में से, और ये माइनस करके क्या आया? डिफरेंस। सम में से डिफरेंस को बताओ, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे माइनस कर दो, ठीक है? प्लस वाले में से इसको माइनस कर दो, इसको सम माने जोड़ के जो आंसर आया उसको ऊपर लिखना है, वो इसको प्लस करना है। हाँ दो ऐड हो जाएगा। पूछ लो भाई, सुन लो। अच्छा अपने बैग में रखने वाले सिस्टी की बुक तुम्हारी है, बैग में रखो अपने। हिंदी व्याकरण का भी याद करना है तो मैं इसने तो किया था, मैं हिंदी व्याकरण का भी सुनूंगी अभी थोड़ी देर में, दोनों से सुना जाएगा। चलो भाई तुम बताओ, पहले बाद में करना, पहले इंग्लिश का होगा उसके बाद हिंदी, पहले नहीं, पहले इंग्लिश क्या करो फटाफट, इतना टाइम नहीं है। हाँ, पहला डैश बीच रास्ते में इतने बड़े पत्थर को देखकर डैश, बीच रास्ते में इतने बड़े पत्थर को झुंझलाया, बस हो गया, सब पूरा खत्म हो गया तुम्हारा। हाँ भाई, राजा ने सड़क से गुजरने वाले डैश की प्रतिक्रिया देखने के लिए सड़क के डैश पत्थर का एक विशाल टुकड़ा रख दिया। राजा ने सड़क से गुजरने वाले डैश की प्रतिक्रिया देखने सड़क के डैश पत्थर का सड़क के कान का पत्थर बीचों में डैश के अंदर एक सच्चे नागरिक के डैश थे। किसके अंदर थे सच्चे नागरिक के? हाँ, दूसरे में क्या थे सच्चे नागरिक के? गुड, इसलिए उसने सड़क पर बड़े पत्थर को हटा दिया। पहले राहगीर ने अगर मैं पहले राहगीर ने कहा अगर मैं इस पत्थर से टकरा जाता तो अपने डैश जरूर तोड़ लेता। अब और बताओ खालिस्तान, राजा ने डैश को सोने के सिक्कों से भरी एक डैश पुरस्कार में के रूप में दी। को सोने से सिक्कों से भरी एक डैश, ठीक है, किससे कहा? पर महाराज मैंने क्या किया है जो, हाँ किससे कहा? गुड, यह सोने के सिक्कों से भरी थैली है सचमुच तुम्हारी। इधर बैठो बाबू, नीचे नहीं, इसमें बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, नीचे नहीं बैठते हैं, कॉपियाँ नीचे रख देंगे, बैठ जाओ। क्या देख लो इंग्लिश की, कॉपी कल वाले पूछा अंदर की, वो याद कर रहा है तुम्हारी से। इतने तो इंग्लिश कर इंग्लिश ग्रामर का कर ले, तुम्हें याद हो गया था हिंदी का, पढ़ लो इतने थोड़ा सा बचा है तुम्हें, पढ़ लो, हाँ तुम्हारा तो होने वाला है हिंदी का। हाँ भाई, यह सोने के सिक्कों से भरी थैली है सचमुच तुम्हारी इंसानियत व मेहनत का इनाम। किसने कहते हैं? पर महाराज मैंने क्या किया है जो,
और नहीं तो क्या समझदार होते तो इस पत्थर को हटा चुके होते अब तक। ये देखो एक अंडर मैथ्स का राइट एएम और पीएम तुम्हें पता है रात के 12 के बाद से लेके 12 के बाद के ना चाहे एक ही मिनट हो गई हो ठीक है एक ही सेकंड तो क्या होता है वो एएम और दोपहर के 12 से पहले पहले क्या है वो एएम है और ऐसे दोपहर के 12 के बाद से लेके रात के 12 तक का टाइम 12 से पहले पीएम यानी क्या 4:45 मॉर्निंग के 4:45 तो ये क्या है एएम लिख दो यहाँ पे साफ साफ अरे मत हिलाओ ना आराम से काम क्यों नहीं करती है अपना दो मिनट में बैठ जाएगी हिलाने अरे कौन सा सुनना है ये और ये भी याद हो गए सारा याद हो गया है लंबा डैश विशेष बताओ लंबा लंबा यहाँ बैठो नीचे नहीं बैठना है वैसे तुम्हें जुकाम है यहाँ बैठ जाओ लंबा डैश कुछ भी बोल सकते हैं लंबा लंबा लड़का लंबा जानवर ठीक है कुछ भी लंबे लंबे पत्ते छोटी गहरी अब ये मैं मुझे एक तो तुम्हें पता नहीं सिलेबस में क्या आएगा वो नहीं पता तुम्हें कुछ भी क्या करूँ मैं तुम्हारा वो आ गया लो लेने गहरी नदी जाओ सही है दोनों भाई लेके आते नहीं है हाँ भाई गहरा हो गया पानी छोटे बच्चे बोल देते हैं छोटा वो पहन देगा मोदी जी को करो मैं मोदी जी हाँ बोलो लो छोटा लड़का फेंको मत ऐसी देखो ना ऐसे फेंके रहेंगे कभी मैं बता रहा हूँ तो शर्ट लंबा इंटरसेल
अब तुम अपना उसका ईवीएस का काम वो करो अभी याद, उसके बाद मैं हिंदी का टेस्ट दूंगी तो मुझे टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है? हिंदी का रिटर्न टेस्ट दूंगी ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, हिंदी के क्वेश्चन आंसर मैं लिख के दे दूंगी। कौन सा नेम द लैंड फॉर्म सीन ऑन द सरफेस ऑफ आवर धरती पे, क्या क्या लैंड यानी किस किस तरह की जमीन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे बीच है, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे माउंटेन हिल प्लेटू और आइलैंड, ठीक है? प्लेन किसे है, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया, बहुत ज्यादा फ्लैट फैला हुआ है और लो लाइंग एरियाज है लैंड के, उन्हें क्या कहते हैं, प्लेन। हिल किसे कहते हैं, एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड, अपने आसपास के जगह से जो ऊंची जगह होती है, बट हाई एज माउंटेन, माउंटेन जैसा ऊंचा होता है उसे हिल कहते हैं। आपको कितने याद हो गए, कितने याद हो गए, याद करो, बैठे मत रहो, और आगे याद करो भी, कोई देना नहीं है, स्पेलिंग भी याद करनी है, स्पेलिंग भी लर्न करनी है, ये बोला मैंने। Many friends who come.
मजदूर ये सही करा है या गलत? मिट्टा कुत्ता खाली वाई आएगा इसका आंसर। मिस्टर गुप्ता थैंक मनीष। कॉफी रेंट पूछा जो चीज उसके साथ में क्या जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा होता ना उसके साथ तो वन लिख देते हैं, नहीं तो जो भी बचा है वो लिख देते हैं। मेरी फ्रेंड टू कम आउट फॉर इट। मेरी फ्रेंड टू कम आउट फॉर इट। वो थी दो यादों में। अभी थोड़ा देर में समझ होने वाला है। What was? एक बार देख रहा करो। देख रहा हूँ। देख रहा हूँ नहीं मेरे पास टाइम। कोल दमन की हेड पीट टोकिन। याद करो ना से। कोल दमन की हेड पीट टोकिन। कोल दमन की हेड पीट टोकिन। सिक्स पास टू टेन। इस पर फाइव के रेस and how he was to come first in his race. All the months he had been talking, he's five के रेस। कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारी? छुट्टी कितने बजे होती है? वो 3:50। चार बजे तो सीधे चार से आ जाओ, लग सकता है जाम होगा। अब 4 बजे होती है? 3:50। 4 बजे। सो गए क्या डुगू? उसकी तबीयत सही नहीं है। नींद आ गया हो? हैं? छुट्टी कर दो? कोई बात नहीं, घर चले जाओ, उसकी तबीयत सही नहीं है। ऐसे ले जाकर रजाई में बिठाओ घर जाके। मतलब क्या है तो इसकी तबीयत सही नहीं है। कल मैं अपनी फ्रेंड के घर से आई थी, मैं तो जब भी सो गई थी, मुझे इतनी तेज वाली नींद आ रही थी। जा इसे छोड़ के आ घर। अकेले के जाएगा, उसकी तबीयत भी सही नहीं है। अकेले नहीं जाएगा वो, छोड़ के आओ। जाना है? अरे छोड़िए, उसकी तबीयत सही नहीं है। और बैग पैक कर लो। इसका बैग बंद कर दो, ये बंद कर दो इसकी बुक। इसको गोदी उठा। ओए अम्मा दे दूं क्या डुगू है? नहीं हैं अम्मा दे दूं? क्या हुआ मेरे बाबू को? है बाबू की तबीयत सही नहीं है, इसको तो गर्म सा हो रहा है। हां तो तबीयत सही नहीं, इसको घर छोड़ के आओ। टोपा दे दो, टोपा भी तो उतार के बैठते हैं। अपने काम कुछ याद नहीं रहता, बॉल ले लियो। अरे अरे आओ, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद हो पाएंगे, ठीक है? इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद हो पाएंगे तो कर लेना। रोको ट्यूशन वाली कॉपियां रख दो इसकी यहीं पे। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, ठीक है? लिखने का काम नहीं दे रहे, इधर उधर घर के लेने देते इसको। मैं कॉपी चल भाई, वो टोपा ले लेते हैं को, इसको दे देना, इसको पहना दो। जो इंग्लिश का टोपा रहने दो, ये इंग्लिश का काम है ना, इंग्लिश का दे देना टोपा। अरे इसको ठंड लगेगी, ये भी तो ऐसी है, ऐसे लगाते हैं। इसको दे दो टोपा। इंग्लिश का जॉब टेस्ट ये वाला दे दो। कॉपी लेके जाने भाई, इसको पहना दे फिर, इसको ठंड लगेगी। इसको पहन लो भाई, पहन ले टोपा। और सॉक्स पहना के लेके आया करो, इसे ऐसी ले आती है, बताओ। इसके हाथ छोड़ो, बड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं, हां घर छोड़ो उसको, तो बस सही है इसकी। वो तो चुपचाप बैठ रहता है, ये शैतान है। नहीं ऐसे लेटा वो उसकी तो बस सही है। कल क्यों नहीं लिखे? अभी वो याद करो जो याद करने बोला, अपने याद करो फिर उसके बाद। कौन सा
इंग्लिश की तुमने बोली नहीं फिर मुझसे उस समय तनिष्का कैसे लगी? बोल तो रहा था आप उसके काम नहीं लग रही थी, बार बार बोल रहा था आपसे। हनी कैसे बोलता है, जब वो जा रहे तब नहीं बोल सकता कि हमें उसकी कॉपी लेके जा रहा है वो। जब जा रहे थे तभी तो बोल रहा था। हिंदी का याद करो, हिंदी व्याकरण निकाल लो अपनी, चलो हिंदी व्याकरण की निकाल लो। कल तो मैं टोपा लाऊंगा, पहले टोपा सॉक्स पहन के आनी चाहिए, तो मैं रोज समझा रही हूँ। अब जब यहाँ व्याकरण की नहीं लाया है और नहीं लाया पापा, क्यों आए हो फिर? जाओ तुम भी जाओ, घर से लेके आओ कॉपी, लेके आओ घर से, चांटा दूंगी खींच के। नहीं लाया क्या? नहीं लाया कौन सी बात होती है, तुम्हें नहीं पता पढ़ना है तो जाओ बुक लेके आओ। प्रणाम लिख सकते हैं? हाँ प्रणाम लिख।